तो इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश विमल ने शराब के पैसे न मिलने पर युवक पर फायरिंग कर दी और गोली की वजह से युवक घायल हो गया, जिसके बाद आग के पास से उसकी गोली छूकर के निकली थी और फिर एमवाई अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के चौराहे पर बनी शराब वाइन शॉप पर सोनू नामक युवक शराब खरीद कर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश विमल प्रजापत ने रास्ता रोककर के शराब के लिए पैसे मांगने लगा, लेकिन जब युवक ने इसका विरोध किया तो पहले तो बदमाश ने अपने पास रखी पिस्टल निकाल करके हवा में फायर किया और फिर सोनू को जान से मारने की नीयत से एक और फायर की, जो गोली सोनू के आंख के पास से छूकर निकल गई। तत्काल घायल को उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं सूचना पर से मौके पर पहुंची पुलिस ने फरियादी के बयानों के आधार पर आरोपी लिस्टेड बदमाश विमल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।